आसपास के एरिया के लिए किसी के लिए किसके लिए कर रखा है? अंकल जी कितने देर खड़े हो तुम? 5 मिनट क्यों खड़े? अरे 5-4 मिनट थोड़े साधन सी कोई साधन तो नहीं सी ना के थोड़े कल ही बिल्कुल गलती आपकी और फ्री करेंगे आपके जो जिम्मेदारी अधिकारी उनको बुलाओ यार, हमने बात नहीं करनी आपसे। जाओ मैं रेड क्रॉस सही हूं मैनेजर में। तो फिर ऐसे करो आप अपने अधिकारियों को समझाओ पहली बात तो ठीक है, अगर यहाँ रहना है तरीके से रहना पड़ेगा। कैसे काटते हो टोल भाई? और जवान है नगरानी वाला मुंडा कितने हो? और नगरानी वाला मुंडा कितने हो यार? मुंडा जी ने कहा क्या बात है भाई? दूसरा जेडे नेड़े पिंड टोल ना कटे जिला परिषद सदस्य है यहाँ के कदावर नेता है आप उनका अगर 7-8 मिनट उनसे वेट करवाते हो ये हम जो उनके समर्थक है हमारी बेइज्जती है। नहीं सर ठीक है आप समझ नहीं रहे। जब आपको कार्ड दिखा दिया उसके पश्चात क्या पीछे क्या रहेगा? स्टाफ नहीं है था। अभी पता क्या है आपका जो स्टाफ उसे माफी मंगवाओ और आगे से ध्यान रखो। अगर कोई भी किसान यूनियन का आदमी यहाँ से निकलेगा अगर आपने फिर उसके साथ बदतमीजी करी तो आपके साथ बुरा होगा। नहीं करते नानके रहे नाने रह रहे ये कोई जरूरी नहीं कौन ये तो टोल आना यार टोल आना है टोल आना तू तेन हाजरी भरनी पी भरनी पी मैं नौकरी करूंगा मैंने भरनी पी यार आज गलती है जिम्मेवार अधिकारी सदो गई पहले तो गलती मंगो अंकल तो चल भाई पिछे उधर ला दे बाहर आ जा बाहर आ जाओ भैया एक मिनट में चलूंगा शाम आ जाए यार आ जाओ भैया चल भाई चल चलेंगे बाहर बताना हूं तू गेट बंद कर भाई बाहर आ गए गेट बंद कर तोड़ना यार तू आना एक लैंच करो अंकल एक लैंच साधन वास्ते चलन दी पसंदी पा दिया करो साधन खड़ो भाई मैंने हाँ जी आप बोल दो कि आज के बाद में ऐसी गलती नहीं आएगी। अगर इसके बाद में ऐसी गलती आएगी देखो साहब हम शांति पसंद लोग हैं अंकल जी हम तो भी यहाँ आए थे क्योंकि हमें अगर आप बार बार इतनी गर्मी में गर्मी लेकर आएंगे हमारे पे गर्मी आएगी तो आपके लिए गलत हो जाएगा। हम परमानेंट इसको फ्री कर देंगे आज आप